आज हम प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग, एक क्वासी और कोर, एक मरिस्मस, इनमें आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं मरिस्मस और क्वासी और कोर, और इस लेक्चर के बाद आपकी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एक तरफ क्वासी और कोर, एक तरफ मरिस्मस, क्वासी और कोर का जो एज ग्रुप होता है वो 1 से 6 वर्ष के बालक में, जबकि मरिस्मस 1 वर्ष से कम के, यानी बिलो 1 ईयर, ओके, के बालक के अंदर। उसके बाद ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये कैलोरी की कमी से होता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वासी और कोर है वो प्रोटीन की कमी से होता है, मरसमस कैलोरी की कमी से होता है। क्वासी और कोर के अंदर बच्चे का पेट फूल जाता है, हाथ पैर सूजन आ जाती है, जबकि मरसमस में बच्चे का पेट अंदर धंस जाता है, हाथ पैर क्रस यानी दुर्बल हो जाते हैं, एकदम दुबला पतला हो जाता है। अब अगर क्वासी और कोर को दूर करना है तो डेफिनेटली ये प्रोटीन की कमी से हो रहा है, तो बच्चे को दूर करने के लिए भोजन में प्रोटीन डाइट को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर प्रोटीन डाइट इंक्रीज करोगे तो दूर हो जाएगा। मर्स में कैलोरी की कमी से होता है, तो इसका मतलब हुआ इसे दूर करने के लिए बच्चे के भोजन में कैलोरी की मात्रा, अब कैलोरी की मात्रा तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों में होती है, इसलिए तीनों की मात्रा इंक्रीज करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली ये भी प्रोटीन से संबंधित हुआ, ये भी प्रोटीन से संबंधित हुआ, लेकिन जो क्वासी और कोर है वो मेनली प्रोटीन की कमी से, जबकि मरसमस कैलोरी की कमी से होता है। और कैलोरी की कमी को दूर करना है तो बच्चे के भोजन में, बच्चे की डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, जबकि क्वासी और कोर स्पेशली प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए उसको दूर करने के लिए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। आई होप आपको क्वासी और कोर और मरसमस में क्लियर अंतर समझ में आ गया होगा। रही बात याद करने की, भूल जाते हो, इतना सा ध्यान रखो क्वासी और कोर और मरिस्मस में नाम बड़ा कौन सा है, क्वासी और कोर। तो एज ग्रुप भी बड़ा इसका, इस ग्रुप इसका छोटा, प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, ओके। और बोलो क्वासी और कोर बड़ा है इसलिए इसमें पेट फूल जाना, हाथ पैर की सूजन आ जाना ऐसा होता है, जबकि इसके अंदर मर्स मतलब छोटा यानी पेट का अंदर धंस जाना, हाथ पैर क्रस हो जाना। अगर आपको थोड़ा इतना याद रहा तो ये दूर कैसे होगा, वह वै तो वैसे ही ध्यान रहेगा। आई होप आपको क्वासी और कोर मर्स में कन्फ्यूजिंग दूर हो गई होगी। और याद रखना बहुत आसान, एक को याद रखो कि जो क्वासी और कोर है वो प्रोटीन की कमी से होता है, उस एज ग्रुप 1 से 6 साल के बालक में होता है, और इसकी कमी को दूर करने के लिए बच्चे की डाइट में प्रोटीन डाइट को बढ़ाना पड़ता है, और इसमें बोलो बच्चे का पेट फूल जाता, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। तो मरिसमस उल्टा अपना आप ध्यान रहेगा, बस मरिसमस में ये ध्यान रखो कि उसमें कैलोरी की कमी से होता है। आई होप आपको मरिसमस और क्वासिकोर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कमेंट्स करके बताएं, और इसी तरह से बायोलॉजी पढ़ते रहें और मस्त रहें।